आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए खुदावंद यीशु नासरी का धन्यवाद, जो हमारे जीवनों में एक एक पल जो हमें मिलता है उसकी कृपा और उसकी दया से मिलता है। ये जो हमारी एक एक सांस है उसकी दया से है। हालेलुया। जितने भी भाई बहन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम परमेश्वर उनके जीवनों में बड़ी बरकत और बड़ी आशीष लेकर आए। आए हम वर्षिप में जाएंगे, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें और बहने अपने सिरों को ढक लें। सर्वशक्तिमान और दयालु और कृपालु महान चिन्ह आसमानी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। खुदावंद आज के इस लाइव ऑनलाइन वर्शिप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपकी दया, आपके अनुग्रह और आपके प्रेमी नाम के द्वारा हमें मिली है। पिता परमेश्वर धन्यवाद। जब हम खुदावंद तेरी वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, अपने सब बच्चों को गाने में बजाने में मदद करें, सहायता करें। आपके स्वर्गदूत हम सब के साथ साथ रहें और आज का कलाम हम सबको जीवनों के लिए बड़ी बरकत लेकर आए। सारे नेटवर्क सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम को और सारी मीडिया टीम को, वर्शिप टीम को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाए, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। खुदावंद हम सबकी मदद करें, सहायता करें। खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, हम प्रभु के महिमा के लिए गीत गाएंगे। होना का बल बड़ा ऊंचा है, जीना देवल है यहाँ। का बल बड़ा ऊंचा है, जीना देवल है I'm not afraid.
शक्तिमान और दयालु कृपालु महान जिन्हें आसमानी परमेश्वर आपका शुक्रिया आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर मौके के लिए, सुंदर अवसर के लिए खुदावन, क्योंकि जो घड़ी, जो दिन, जो समय आपकी हसूरी में बीते उस समय से बढ़कर कोई भी हमारे लिए दिन नहीं है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जब आपकी हजूरी में आपके बच्चे, आपके दादा-दादियां बैठे हैं, उन सबों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। खुदावंद, आज की वर्षी के द्वारा उनको बड़ी बरकत और आशीष मिले और आज का कलाम हम सब की जिंदगियों के लिए खुदावंद बड़ी बरकत लेकर आए। जो हमारे जीवनों में आप डालना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा डालिए, और जो हमारे जिंदगियों से निकालना चाहते हैं वो अपने वचन के द्वारा निकालें। बाकी सारे समय को तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं, नेटवर्क सिस्टम को, मीडिया टीम को अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाएं, ताकि तेरा बेटा यीशु ऊंचा हम सब के जीवनों से होने पाए, तेरी महिमा हो, तेरे नाम को जलाल मिलने पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, आप सबको खुदा यीशु के नाम में मसीह जय मसीह की सलाम। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे और आज की शाम आप सबों के लिए बड़ी बरकत लेकर आए। हालेलुया, आए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का वचन का हमारा विषय है
नीति वचन 25 अध्याय उसकी 8 आयत। झगड़ा करने में जल्दी ना करना। जी, वचन में क्या लिखा है? झगड़ा करने में जल्दी ना करना। नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या करे। हालेलुया। झगड़े का मतलब क्या होता है? झगड़े का मतलब होता है लड़ाई करना, किसी से वाद विवाद हो जाना, यानी कि किसी से कहा सुनी हो जानी, किसी की बात को हमारे यानी कि हमें पसंद ना आनी या हमारे मन को ना लगनी, हमारे दिल को ना लगनी, या इंग्लिश में हम कह जाते हैं जिसको फाइट। हालेलुया। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि आज मेरे परिवार से मेरी फाइट हो गई, आज मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, मेरी पत्नी से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, और हमारे बुजुर्गों से, हमारे मालिक से मेरी क्या हो गई? फाइट हो गई। उसको कहा जाता है झगड़ा। सुलेमान बादशाह क्या कहता है? झगड़ा करने में जल्दी ना करना। नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुँह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। हालेलुया। हर किसी का मन करता है झगड़ा करने को, हर किसी का दिल करता है किसी ना किसी से झगड़ा करने को। काफ़ी लोग झगड़ा करने का ज़रा भी जो है अवसर को खोते नहीं, यानी कि उनको झगड़ा करने का मौका चाहिए, अवसर चाहिए, बस उनको वो मौका मिल जाए तो वो मौका अपने हाथों से खोते नहीं हैं, क्योंकि उनका झगड़ा करने वाला जो है मन बना रहता है, झगड़ा करने को उनका जो है दिल करता रहता है। काफ़ी मसीह लोग भी जो समाज में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को अच्छी रीति से सुन लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, वो भी बिल्कुल भी झगड़ा करने में शर्म नहीं करते, यानी कि बिल्कुल भी झगड़ा करने में वो हिचकिचाहट नहीं करते, यानी कि बिल्कुल भी वो देरी नहीं करते किसी के साथ झगड़ा करने को। पर बाइबल कहती है कि तू झगड़ा करने में जल्दी ना करना, यानी कि झगड़ा करने में पहल ना करना, झगड़ा करने में आगे ना आना, या झगड़ा करना तेरे स्वभाव में मत हो। हालेलुया। अगर कोई तुझे शर्मिंदा करे, अगर कोई तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। काफ़ी लोग जल्दबाजी में आकर किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं और लास्ट में देखा जाता है उनको शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि अगला जिनके साथ हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिनके साथ हमने झगड़ा किया, जिनके साथ हमने गाली गलौज किया या अनाप शनाप कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, अगला कई बार हमारी पिछली हिस्ट्री खोल देता है, पोल खोल देता है। तो बाइबल कहती है कि नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी जिसके साथ तू झगड़ा कर रहा है, वो पड़ोसी जरूरी नहीं कि आपके पास में रहने वाला, आपके साथ में रहने वाला पड़ोसी घर हो, पड़ोसी का मतलब कोई भी अन्य जन जिसके साथ आपका झगड़ा हो रहा है। अगर नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। हालेलुया। अगला जन जब आपकी पिछली हिस्ट्री को खोल देगा, आपकी पोल को खोल देगा, आपको शर्मिंदा करेगा, तब तू क्या कर सकेगा। हालेलुया। मसीह लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम झगड़ा करते हैं, अगर झगड़ा करना हमारे स्वभाव में है, झगड़ा करना हमारे नेचर में है, तो उनको एक बात अवश्य पता होनी चाहिए कि अगर हम झगड़ा करने वाला स्वभाव रखते हैं तो इससे हमारी समाज में, हमारी गली मोहल्ले में, हमारे परिवार में, हमारी ड्यूटी में हमारी कैसी रेपुटेशन होगी, यानी कि हमारी रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। लोग हमें दूर से ही देखते कहेंगे कि झगड़ालू व्यक्ति आ रहा है, झगड़ालू बहन आ रही है, झगड़ालू इंसान आ रहा है, या झगड़ालू व्यक्ति आ रहा है। और सबसे बढ़कर हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए, सबसे बढ़कर हमें इस बात का हमारे अंदर एक बात होनी चाहिए कि मेरे परमेश्वर की इस चीज़ से कितनी बदनामी होगी। हालेलुया। काफ़ी मसीह लोग भी जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर किसी की बात को नापसंद करते हुए झगड़ा कर देते हैं, उतावली कर देते हैं, और बाद में उनको पछताते हैं, तो जैसे लिखा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालेलुया। सो उनको बाद में पछताए होने का क्या फ़ायदा जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को उन्होंने बदनाम कर दिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को धब्बा लगा दिया दूसरों के सामने झगड़ा करके, गाली गलौज करके या अनाप शनाप कुछ शब्द बोल करके। सो इसलिए मसीह लोगों को झगड़ा करने में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, यानी कि झगड़ा करना उनके नेचर में, उनके स्वभाव में नहीं होना चाहिए। जैसे याकूब की किताब में लिखा है कि तुम में से झगड़े कहां से आ गए, तुम में झगड़े कहां से शुरू हो गए, तुम झगड़ालू कब से बन गए। क्योंकि जो संसारिक लोग होते हैं वो झगड़ालू होते थे, तो जो झगड़ालू वाला स्वभाव था उनके अंदर ही बना हुआ था।
हालेलुया। याद रखिए, झगड़ा करना जो होता है वो दुष्ट की तरफ से होता है, और शांत रहना यानी कि झगड़े के समय में अपने आप को शांत रखना, यह परमेश्वर की तरफ से होता है। हालेलुया। सो जब जहाँ पर झगड़े की बात होती है, आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं दुष्ट की तरफ से इस झगड़े को कर रहा हूँ, या मैं शांत रह के परमेश्वर की तरफ से इस समय को, इस माहौल को कंट्रोल कर रहा हूँ। हालेलुया। सो झगड़ा करने के अवसर हर घर में सभी को मिलते हैं, हर ड्यूटी में सभी को मिलते हैं, हर जगह में झगड़ा करने का मौका किसी ना किसी को मिलता है, झगड़ा करने का हर फील्ड में अवसर सभी को मिलता है। ऐसा ना कोई सोचे कि झगड़ा हर जगह पर नहीं होता, झगड़ा घरों में भी होता है, जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं वहाँ पर भी होता है, जहाँ पर हम कारोबार करते हैं वहाँ पर भी होता है। यानी कि कहने का मतलब कि हर फील्ड में झगड़ा करने का अवसर प्रत्येक को मिलता है, पर उस समय धीरज रखना, शांत रहना भी एक गुण है। हालेलुया। उस समय अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये भी एक परमेश्वर की आत्मा का गुण हमारे अंदर है। अगर हम उस समय को, माहौल को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को शांत कर लेते हैं, यानी कि झगड़े से परे रहते हैं, तो ये भी मान लीजिए हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का एक गुण है। हालेलुया। सो शैतान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी ना किसी के बीच में आपस में झगड़ा करवा दिया जाए, चाहे वो पति पत्नी के बीच में, चाहे वो सास बहू के बीच में, चाहे नौकर मालिक का झगड़ा करवा दे, चाहे वो भाई बहन का झगड़ा करा दे, चाहे वो भाई भाई का झगड़ा करवा दे, चाहे वो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ झगड़ा करवा दे। सो शैतान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि मसीह लोग आपस में झगड़ा करके वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते, परमेश्वर के विरुद्ध गलती करते, यानी कि परमेश्वर का वचन उनसे टूट जाए। हालेलुया। पर वचन कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं कि उसका कोई भी दाव हम पर चल जाए। हालेलुया। सो जो सच्चे मसीह के लोग होते हैं, जो संगति में रहने वाले लोग होते हैं, जो वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी झगड़ा करने में जल्दी नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर समय उनको सिखाता रहता है, हर समय बताता रहता है, यानी कि हर समय उनको गाइड करता रहता है कि अब आपको क्या करना है। हालेलुया। अगर हम नीति वचन की किताब 17 अध्याय उसकी 19 आयत में देखें, तो वचन में क्या वहाँ पर लिखा है, नीति वचन 17 अध्याय उसकी 19 आयत, जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता है, वचन में लिखा है जो झगड़े रगड़े से, जो लड़ाई झगड़े से प्रेम रखता है, वे अपराध करने से भी प्रीति रखता है, वह पाप करने से यानी कि अपराध करने से भी प्रेम रखता है, यानी कि जो झगड़ा करना पसंद करता है, झगड़ा करना जिसके स्वभाव में है, झगड़ा करना करने से जिसको प्रेम होता है, यानी कि झगड़े से वो प्रीति रखता है, वो अवश्य है कि वो अपराध से भी, पाप करने से भी प्रीति रखता होगा, यानी कि पाप करने से उनको अच्छा लगता होगा, उसको संतुष्टि मिलती होगी, उसको शांति मिलती होगी। सो हमें कभी भी प्रभु के लोगों को झगड़े से प्रेम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। झगड़े वाले लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए, झगड़ालू लोगों के साथ भी हमारे संबंध बहुत एक लिमिट में होने चाहिए, यानी कि एक उसकी सीमा होनी चाहिए, यानी कि उनके साथ ज़्यादा हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सो शैतान की कोशिश आपके ऊपर ना चले, शैतान की युक्ति ना आपके ऊपर चले कि आप शैतान की युक्ति में पड़कर आपस में पारिवारिक रिश्तों को खराब कर लें। हालेलुया। बाइबल कहती है कि क्रोधी इंसान जो होता है वो झगड़ा मचाता है, जो ज़्यादा गुस्सेबाज होता है, ज़्यादा क्रोधी होता है, उसको जो झगड़े का माहौल होता है एकदम से संभालना नहीं आता, बल्कि वो झट में झगड़ा मचा देता है। पर वचन कहता है कि प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। जहाँ पर झगड़ा नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, शांति होती है, प्रेम होता है, और बाइबल कहती है कि प्रेम से सब प्रकार के अपराध जो है ढप जाते हैं। हालेलुया। आपने उत्पत्ति की किताब में अब्राहम बारे पढ़ा होगा। अब्राहम ने झगड़े से बचने के लिए अपने भतीजे लूत को अपने से अलग करना पसंद किया, जिसका विवरण हमें उत्पत्ति 13 अध्याय की 7 आयत से देखने को मिलता है। जब उनके गाय बैलों के चरवाहों ने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो जो अब्राहम था उसने अपने भतीजे लूत से क्या कहा कि हम आपस में क्या हैं, भाई बंधु हैं, यानी कि हमारी रिश्तेदारी है, हमारा पारिवारिक
भेजता है, जबकि उसका भतीजा लूत उसके बहुत काम भी आता होगा, क्योंकि उस समय तक अब्राहम के पास इसहाक की यानी कि अपने बच्चे की कोई भी आशीष नहीं थी। तो नेचुरली है जब लूत उसके पास रहा करता था तो अवश्य वह उसके काम भी आता होगा, अवश्य एक बेटे की तरह जो घर का कामकाज करना संभालना सो सब कुछ उसको लूत को करना पड़ता होगा। और नेचुरली है साथ में रहने वाले बंदे को इतनी ड्यूटी तो करनी चाहिए जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है। सो उसने खुद कहा कि हम आपस में क्या है, भाई बंधु हैं। सो उसने क्या किया, झगड़े से दूर रहने के लिए यानी कि झगड़े को ख़त्म करने के लिए यानी कि झगड़ा हमारे घर में उत्पन्न और ज़्यादा ना हो जाए, हमारे आपस में गाय बैलों को चरवाहों को लेकर या हमारी जमीन जायदाद को लेकर या किसी भी अन्य पशुओं को लेकर झगड़ा ना हो जाए, तो उसने क्या किया, अपने को लूत से अलग करना चाहा। हालेलुया, बाइबल स्पष्ट बताती है कि झगड़े से बचने के लिए लूत ने अब्राहम ने लूत को अपने से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अगर आज किसी ने अलग होना भी है तो वो खूब लड़ाई करके खूब झगड़ा करके एक दूसरे से अलग होते हैं। सो अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, एक समय आता है जब हमें अलग होना पड़ता है या किसी को अपने से अलग करना पड़ता है, पर अगर हम लड़ाई झगड़ा करके अलग करते हैं तो उसमें कोई भी शाबाशी वाली बात नहीं है। हालेलुया, सो अब्राहम ने प्रेम प्यार के साथ लूत को अलग किया। आज हमें भी संसार में रहते हुए अगर हमें किसी से अलग होना है या किसी को अपने से अलग करना है तो अच्छी बात इसमें है कि हम प्रेम प्यार से किसी से अलग हो जाए, ना कि किसी के साथ झगड़ा करके, ना ही किसी के साथ लड़ाई करके, ना ही किसी के साथ वाद विवाद करके, ना ही किसी के साथ फाइट करके। सो प्रेम प्यार के साथ अलग होने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर किसी ने भी आज अपने भाई से अलग होना है या अपने किसी भी माँ बाप से अलग होना है या किसी भी मालिक ने नौकर से अलग होना है तो उन्होंने क्या करना है, खूब लड़ाई झगड़ा करके खूब वाद विवाद करके अलग होना है। सो मसीह लोगों को चाहिए, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई ऐसा है कि आप इस जगह से अलग हो जाएं तो प्रेम प्यार से अलग हुआ करें। हालेलुया, जैसे अब्राहम ने समझदारी को बता समझदारी से उसने क्या किया, लूत अपने भतीजे को प्रेम प्यार से अलग कर दिया, ना कि झगड़ा करके। हालेलुया, यूसुफ के भाई बेशक उससे बहुत ही नफरत किया करते थे, बहुत ही बैर किया करते थे, पर बाइबल नहीं बताती कि यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ झगड़ा किया या लड़ाई की या अपने बाप को उनकी जाके शिकायत बार बार करता रहा कि मेरे भाई मुझसे ऐसा बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, तो उनको डांट, तो उनसे झगड़ा कर, उनको समझा, उनसे बात कर। बाइबल नहीं बताती कि उसने अपने भाइयों के साथ कभी भी झगड़ा करने की सोची। हालेलुया, सो बाइबल में हम दाऊद के बारे में देखते हैं जो शाऊल दाऊद से बड़ी ही नफरत किया करता था, बड़ा ही बैर किया करता था। उसने दाऊद को मारने के लिए कई बार युक्तियाँ भी अपनाई, पर दाऊद ने कभी भी उससे झगड़ा करना पसंद नहीं किया, जबकि बाइबल बताती है कि दाऊद के पास काफ़ी ऐसे अवसर भी आए कि वो शाऊल को मार सकता था, शाऊल के साथ झगड़ा कर सकता था। और बाइबल ऐसा बताती है कि दाऊद के साथी जनों ने ऐसा कहा भी कि इससे बढ़िया मौका और कब मिलेगा कि तू शाऊल के साथ झगड़ा करे, शाऊल को घात करे, शाऊल को मारे। हालेलुया, पर दाऊद क्या बताता है, दाऊद क्या कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर अपना हाथ उठाऊँ। हालेलुया, सो प्रेम प्यार में रहने से जो आपको शांति मिलती है, जो आपको संतुष्टि मिलती है, वो कभी भी आपको लड़ाई से, कभी भी झगड़े से नहीं मिलेगी। हालेलुया, बाइबल में अगर हम एस्तर के बारे में देखते हैं, जो हमान था वो एस्तर की जाति से बहुत ही नफरत किया करता था। सो एस्तर भी चाहती, क्योंकि वो वहाँ की रानी थी, वो अपने राजा के साथ मिलकर उसके साथ कभी भी झगड़ा कर सकती थी, कभी भी उसकी कंप्लेंट करके खूब लड़ाई झगड़े में पड़ सकती थी, पर बाइबल नहीं बताती कि उसने ऐसा किया, बल्कि उसने परमेश्वर की राह पर चलते हुए, परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए अपना केस जो था परमेश्वर के हाथों में दिया। और बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को सुनने वाले, बाइबल को जानने वाले अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने उस हमान को किस तरीके से सजा दी। हालेलुया, सो प्रेम प्यार से जितने मसले हल हो जाएं
उसके जैसी कोई भी आशीष नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि झगड़ा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप झगड़ा करने वाले हैं, किसी ना किसी के बीच में झगड़ा करवाने वाले हैं, तो समझिए आप एक झगड़ालू टाइप के इंसान हैं, झगड़ालू टाइप के आप व्यक्ति हैं। सो ऐसे मनुष्य से हम सबको दूर रहना चाहिए, परे रहना चाहिए। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से जो भाई भाई के बीच में झगड़ा करवाते हैं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यहोवा उनसे बहुत ही बैर करता है, उनसे बहुत ही नफरत करता है। यानी कि परमेश्वर को ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है। हालेलुया। अगर हम नीति वचन 17 अध्याय उसकी एक आयत में पढ़ें, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। जी जी पढ़िए। जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बाइबल क्या बताती है कि चैन के साथ सूखा टुकड़ा, यानी कि बाइबल का वचन का कहने का मतलब क्या है परमेश्वर के सेवक का, कि अगर किसी घर में चैन है और उनके घर में चाहे खाने के लिए सूखी रोटी है, यानी कि कुछ भी दुनिया की फैसिलिटीज नहीं है, अच्छा उनके पास भोजन नहीं है, अच्छा रहना नहीं है, अच्छा खाना पीना नहीं है, अगर उस घर में चैन है, वो उस घर की अपेक्षा उत्तम है, बढ़िया है, अच्छा है, जो मेल बलि पशुओं से भरा हो। यानी कि उस घर में बहुत ही सुख सुविधाएं हों, किसी भी चीज़ की, पैसे की, धन की, कपड़ों की, खाने पीने की घटी ना हो, परंतु उसमें रगड़े झगड़े हों। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो घर अच्छा है, उत्तम है, बढ़िया है, जिस घर में चैन है, यानी कि जिस घर में प्रेम प्यार रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं रहता, वो उस घर से उत्तम है, बढ़िया है, जिसमें मान लीजिए आप बहुत सारी सुख सुविधाएं देखते हैं। आज हम संसार में ऐसी बहुत सारे घर को, परिवार को देखते हैं कि जिसमें बहुत ही फैसिलिटीज होती है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, अच्छे कपड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने पीने की कोई घटी नहीं, पर उस घर में अगर कलेश रहता है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, तो बाइबल बताती है कि वो घर जिसमें चैन है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा यानी कि सूखी रोटी ही खाने को मिलती है, नमक के साथ ही रोटी खाने को मिलती है, अचार के साथ ही रोटी खाने को मिलती है, वो घर उत्तम है, बढ़िया है, जिसमें शांति रहती है, जिसमें चैन रहता है, यानी कि जिस घर में झगड़े नहीं रहते। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन पर चलते हुए अगर हम चैन के साथ, शांति के साथ अपने घर में रहते हैं, तो परमेश्वर उस सूखी रोटी में भी, यानी कि जो नमक के साथ खाई जाती है, परमेश्वर की आशीष उसमें भी होती है। हालेलुया। सो हमेशा परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे घर में सुख सुविधाएं, दुनिया के ऐशो आराम चाहे कम हो जाए, पर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे घर में अमन, चैन और शांति रहने पाए। हालेलुया। सो वचन अगर में हम पढ़ें, वचन नीति वचन 16 अध्याय उसकी 28 आयत में, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है। वचन कहता है जो टेढ़े प्रकार के इंसान होते हैं, वो झगड़े को क्या करते हैं, दबाते नहीं हैं, झगड़े को उठाते हैं। और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। और जो कानाफूसी करने वाले लोग होते हैं, वो परम मित्रों में, जिनके बीच में गुड़ा प्रेम होता है, जो बहुत ही परम मित्र होते हैं, आपस में जिनका बहुत ही प्रेम प्यार होता है, कानाफूसी करने वाले लोग उनमें भी जाकर फूट डाल देते हैं, यानी कि के बीच में भी झगड़ा मचा देते हैं। सो हमेशा हमें कानाफूसी लोगों से, जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले, जो झगड़ालू टाइप के लोग, जो निंदा चुगली करने वाले लोग, जो झगड़े को उठाने वाले लोग हैं, उनसे हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, परे रहना चाहिए। नीति वचन 22 अध्याय उसकी 10 आयत भी पढ़ दीजिए। नीति वचन 22 अध्याय उसके 10 आयत, ठट्ठा करने वाले को निकाल दे। वचन कहता है कि ठट्ठा करने वाले लोगों को अपने में से, अपने ग्रुप में से, अपनी जगह से, अपनी ड्यूटी से क्या कर दे, उनको निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा। तब जो झगड़ा वहां पर रहता है, वो झगड़ा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। और वहां पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े का माहौल, और जहां पर एक दूसरे का अपमान किया जाता है, वो क्या हो जाएंगे, वहां से टूट जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों को, कानाफूसी करने वाले लोगों को, ठट्ठा करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, परे रहना चाहिए, ताकि उनकी संगति में रह के उनकी संगत का असर जो है हमारे ऊपर ना हो। हालेलुया। भजन सही नीति वचन 26 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में पढ़े, जैसे लकड़ी का होने से आग बुझती है, उसी प्रकार
जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, मान लीजिए किसी ने लकड़ियां चलाई हुई हैं और खूब आग वहां से निकल रही है, अगर वहां पर लकड़ी खत्म हो जाए, लकड़ी समाप्त हो जाए, उसी तरह जहां पर उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाले वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाएगा। सो बाइबल बताती है जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, आग समाप्त हो जाती है, वहां का सेक जो है खत्म हो जाता है, उसी तरह जहां पर कानाफूसी लोग नहीं होते, कानाफूसी करने वाले लोग वहां पर नहीं होते, वहां पर झगड़ा भी क्या होता है, मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। वैसे ही उस जगह पर झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू भी होता है। हालेलुया। जैसे अंगारों में अगर कोयला डालते जाएं और आग में लकड़ी डालते जाएं, तो वहां पर क्या होगा, अच्छा सेक बना रहेगा, यानी कि अच्छी आग वहां पर उपलब्ध होगी, अच्छा बालन वहां पर अच्छी तरह काम करता जाएगा। और जैसे ही अंगारों में कोयला खत्म कर देंगे, आग में लकड़ी खत्म कर देंगे, तो आग क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सो उसी तरह झगड़ा बढ़ाने वाले लोग अगर उस जगह से, उस व्यक्ति के जीवन से, उसकी संगति से दूर हो जाएं, तो बाइबल कहती है कि झगड़ा भी वहां पर क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, यानी कि वहां पर समाप्त हो जाएगा, वहां पर शांति आ जाएगी। हालेलुया। जहां पर भी झगड़ा बढ़ता दिखाई देता है, वचन कहता है कि उस जगह को, उस स्थान को छोड़ देने में ही भलाई है, उस जगह को छोड़ देने में ही अच्छी बात है। सो नीति वचन 17 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, झगड़ा बढ़ने से पहले, झगड़े का आरंभ बात के छेद के समान है। सो झगड़े की जो शुरुआत होती है, जैसे बांध में छेद हो जाता है, उस प्रकार से है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। सो झगड़ा बढ़ने से पहले ही झगड़े को छोड़ देना अच्छा है, बढ़िया है, उचित है, और इसी में परमेश्वर के लोगों की भलाई है कि वो झगड़ा बढ़ने से पहले ही उस स्थान को, उस जगह को पूरी तरह से छोड़ करके चला जाए। काफ़ी घरों में लेडीज बहुत ही झगड़ालू होती हैं, ऐसा नहीं कि जेंट्स भी झगड़ालू नहीं होते, पर बाइबल लेडीज़ के बारे में कहती है कि जहाँ पर झगड़ालू लेडीज होती है, वहाँ पर इंसान का रहना जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि वहाँ पर इंसान को, मनुष्य को, पुरुष को बहुत ही तंगी होती है, उस पति को वहाँ पर बहुत ही तंगी महसूस होती है। ये मैं नहीं कहती कि बाइबल बताती है, अगर हम नीति वचन 21 अध्याय उसकी 9 आयत में पढ़ के चलें, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। बाइबल बताती है, मान लीजिए आपके पास लंबा चौड़ा घर है, बहुत बढ़िया आपके पास कोठी है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, और झगड़ालू पत्नी आपके संग है। वचन क्या कहता है, लंबे चौड़े घर में, हर सुख सुविधा वाले घर में अगर झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना उत्तम है। बाइबल उस इंसान को क्या कहती है, अगर तू छत के कोने में रह लेगा तेरे लिए वो बढ़िया है, पर झगड़ालू पत्नी के संग रहना उस पुरुष को, उस पति को बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। नीति वचन 21 अध्याय उसकी 19 आयत भी पढ़ें, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। देखिए सुलेमान बादशाह क्या कहता है, जो लेडीज, जो औरत, जो पत्नी झगड़ालू है, चिढ़ने वाली है, कुड़ने वाली है, उस पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना ही अच्छा है। ऐसा इंसान झगड़ालू पत्नी के संग अगर रहता है, चिढ़ने वाली पत्नी के साथ रहता है, कुड़ने वाली पत्नी के संग रहता है, उससे बेहतर है कि वो जंगल में जाकर ही डेरा लगा ले, जंगल में जाके ही रह ले, यह उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए उत्तम है। नीति वचन 27 अध्याय की 15 आयत पढ़िए, झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। वचन क्या कहता है कि झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना, यानी कि जब बारिश के बहुत ही दिन होते हैं, जब झड़ी लग जाती है, हम कहते हैं कि बरसात की, बारिश की बहुत ही झड़ी लग गई, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, झड़ी के दिन अगर पानी कहीं से छत से चोता रहे टपता रहे, क्या किसी इंसान को बढ़िया लगता है? वो इंसान क्या करेगा, उस जहाँ से पानी आ रहा है उसको जल्दी जल्दी छेद को बंद कर दो, ताकि पानी टप 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 ना करे। सो वचन क्या कहता है कि झड़ी के दिन, उन बारिश के दिन में पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। हालेलुया। सो हमेशा औरतों को चाहिए अपने घर में प्रेम के साथ
जो रहना उसमें आशीष है। हालेलुया। सो कभी भी झगड़ालू ना बने, कभी भी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार के साथ कभी भी झगड़ालू तरीके का स्वभाव ना रखें, यानी कि झगड़ालू टाइप के ना बने। सो उस घर में कभी भी आशीष नहीं रहती जिस घर में झगड़ा होता रहता है, चाहे वो पत्नी करती है, चाहे वो पति करते हैं, चाहे वो बच्चे, चाहे वो बुजुर्ग, चाहे घर का अन्य व्यक्ति कोई भी झगड़ा करता है। सो हमेशा उस घर में शांति जो है भंग रहेगी, शांति जो है दूर रहेगी। अगर आप अपने घर में शांति बनाना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को बदल डालिए ताकि आपके घर में कभी भी झगड़ा ना हो। हालेलुया। सो शांत रहने से बड़े बड़े मसले भी हल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हल हो जाती हैं, बड़े बड़े जो झगड़े होने वाले हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पर जो झगड़ा करता है, झगड़ालू इंसान होता है, वो अपनी ज़िंदगी को झगड़ा कर करके, झगड़ालू स्वभाव रख रख के क्या करता है, ख़राब कर लेता है। सो आज पुलिस स्टेशन में जाके देख लें, चाहे कोर्ट कचहरियों में देख लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रिपोर्ट जो मिलेगी पारिवारिक जो झगड़ों की मिलेगी। सो संसारिक लोग जो होते हैं संसार की बातों में पढ़कर झगड़ा करने की तरफ अपना ध्यान लगा के रखते हैं, यानी कि उनका माइंड, उनका दिल, उनका दिमाग जो है झगड़ा करने की तरफ लगा रहता है। संत पौलुस पहला ग्रंथियों 3:3 में कहता है कि अब तक क्या हो, शारीरिक हो, यानी कि शरीर की बातों पर मन लगाते हो, शारीरिक अभिलाषाओं को रखते हो, इसलिए तुम में ढा है, इसलिए तुम में क्या है, झगड़े हैं। सो संसारिक इंसान जो है झगड़े करने का अवसर कभी नहीं खोता, वो हमेशा इस अवसर में रहता है, इस ताक में रहता है, कब से कब मैं किस बात के लिए झगड़ा शुरू करूँ, कब से किस बात के लिए मैं जो है लड़ाई शुरू करूँ। सो संसारिक ना बने। अभी आपने प्रभु को जान लिया, प्रभु के वचन को जान लिया, प्रभु के वचन की गहराई में बढ़ते जाएं और झगड़ालू ना बने, झगड़ा करने वाले ना बने, संसारिक ना बने, बल्कि आत्मिक रीति से चलते हुए अपने परिवार का गुजारा कीजिए अपने। सो हम जैसे वचन में सीख रहे थे, पढ़ रहे थे कि परमेश्वर के दासों को भी झगड़ालू नहीं होना चाहिए। सो वचन यहाँ तक बताता है कि कुछ तो ऐसे हैं जो झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ ऐसे परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं जो परमेश्वर से प्रकाश पाकर, परमेश्वर के प्रेरित बनकर, यानी कि परमेश्वर के आत्मा में चलते हुए कुछ भली मनसा से भी प्रचार करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा की भावना रखते हुए मसीह का प्रचार करते हैं। सो मसीह के दासों को इस तरीके से कभी भी प्रभु का प्रचार नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का प्रचार भली मनसा से, भली इच्छा से ही करना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई झगड़ा नहीं करता, झगड़े को कोई पसंद नहीं करता, या झगड़े का स्वभाव जिसके अंदर नहीं है, तो ये मत समझो कि वह इंसान बहुत कमज़ोर है, बल्कि ये समझो कि वह इंसान बहुत ही शक्तिशाली है, वो इंसान बहुत ही सामर्थी है, क्योंकि उसके अंदर उस झगड़े को बर्दाश्त करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए एक शक्ति है, एक सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपकी बातों को सुनकर भी अपने मुँह को बंद रखा, अपनी जीभ जुबान को बंद रखा, अपने आप को शांत किया है। हालेलुया। हो सकता है कि आज आपको नजायज कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करने की ताक में रहता हो, लड़ाई झगड़ा कोई करता हो, आपको लगता है कि मेरा उसमें कुछ भी कसूर नहीं था, मेरी उसमें कुछ भी गलती नहीं थी, खामखा अगला मेरे ऊपर, मेरे साथ बैर करता है, नफरत करता है और लड़ाई झगड़े के अवसर जो है हमेशा ढूंढता रहता है। सो परमेश्वर के हाथों में अपने केस को दे के रखें, परमेश्वर के हाथों में अपनी जो है भागदौड़ दे के रखें, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे के रखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। बदला लेना मेरा काम है। सो अगर हम अपना बदला खुद ही ले लेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमारे केस को, हमारी जो कंप्लेंट्स हैं, जो हमारी दूसरों के प्रति ऐसी बातें हैं, कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन को अपने हाथों में नहीं लेगा। सो हमेशा अपने ऐसे माहौल को, ऐसी को परमेश्वर के हाथों में दे के रखें, अपने जीवन की भागदौड़ को परमेश्वर के हाथों में दे के रखें। कभी भी अपनी बुद्धि से किसी के साथ लड़ाई झगड़े करने की ना सोचे, बेशक आपका उसमें कसूर है चाहे नहीं है, पर वचन कहता कि बदला लेना मेरा काम है। बदला अपना खुद ही लेते रहेंगे तो परमेश्वर आपके बीच में आकर आपके मसले को हल नहीं करेगा। हालेलुया।
बाइबल कहती है कि तुम अपनी हानि क्यों नहीं सहते, तुम अपना अन्याय अन्याय क्यों नहीं सहते, अपने अन्याय के लिए तुम क्यों ऐसा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, तुम अपनी हानि क्यों नहीं सहते। सो मसीह के लोगों को अगर अपनी हानि भी सहनी पड़ जाए, न जाए किसी से बातें भी सुननी पड़ जाए, तो आपको सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आपका बदला लेने वाला परमेश्वर आपके क्या है, साथ है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर हम भजन सही यशाया की किताब 41 अध्याय उसकी 11 आयत से पढ़े, देख दो तुझसे क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे, दो तुझसे झगड़ा करते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, तो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे जी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा जी। वचन में हमने क्या पढ़ा, यशाया की किताब 41 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 13 आयत तक, जिसमें हमने पढ़ा, देख जो तुझसे क्या है क्रोधित है वे सब क्या होंगे, लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को तसल्ली देता है जो अपना केस परमेश्वर के हाथों में देकर रखते हैं, जो खुद किसी से लड़ाई झगड़ा कर नहीं करते या लड़ाई झगड़े के लिए पहल नहीं करते। परमेश्वर ऐसे लोगों को तसल्ली देता है, देख जो तुझसे क्रोधित रहते हैं, तुझसे खामखा गुस्सा करते हैं, तुझसे खामखा बैर करते हैं, वे सब क्या होंगे, लज्जित हो जाएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को शर्मिंदा आपकी आंखों के सामने करेगा, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह क्या होंगे, काले होंगे। जो दुनिया में संसार में लोग, चाहे वो आपके परिवार के लोग हैं, चाहे वो आपके समाज के लोग हैं, चाहे वो आपके गली मोहल्ले के लोग हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी लोग हैं, जो तुझसे लड़ते हैं झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने उनके मुंह को क्या करेगा, काला करेगा, और वे नष्ट होकर क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों का नामो निशान आपकी आंखों के सामने मिटा देगा, जो आपसे खाम खा लड़ाई करते हैं, खाम खा आपसे झगड़ा करते हैं। और वचन कहता है जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। आप ऐसे लोगों को ढूंढते रह जाएंगे, आपकी आंखें उन लोगों को खोजती रह जाएंगी कि वो बंदा अब कहाँ पर रह गया, वो बंदा कहाँ पर चला गया जो मुझसे लड़ता था, जो मुझसे झगड़ता था, जो मुझसे फालतू की बातें कह कह कर मेरे मन को निराश करता था, मुझे जो संकट में डाल देता था, जो मेरी आंखों के सामने ऐसे ऐसे काम करता था जिससे मुझे गुस्सा आता था, पर मैं अपने गुस्से को अगर कंट्रोल करके रहा। तो वचन कहता है जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। आपकी आंखें ऐसे लोगों को खोजती रहेंगी, पर आप ढूंढने पर भी खोजने पर भी ऐसे लोगों को ना पाएंगे। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, जो तुझसे युद्ध करते हैं लड़ाई करने की झगड़ा करने की सोचते हैं वे नष्ट होकर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। पर परमेश्वर किन लोगों के लिए ये वायदा कर रहा है, किन लोगों को ऐसे वचन देकर तसल्ली दे रहा है, किन लोगों के लिए बात कर रहा है, जो लोग खुद लड़ाई करने के लिए आगे होते हैं, जब खुद झगड़ालू स्वभाव रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं, जो अपना केस, जो अपने जीवन की भागडोर परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, जो खुद किसी से लड़ाई नहीं करते, जो खुद किसी से झगड़ा नहीं करते, जो खुद किसी के सामने किसी की बात सुन करके शांत रहते हैं, परमेश्वर उन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे विश्वासी लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए कह रहा है कि जो तुझसे झगड़ते हैं मैं उन लोगों के मुंह काले करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों को हमेशा अपने स्वभाव को शांति वाला स्वभाव रखना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़े की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, कभी भी झगड़ा करने का स्वभाव नहीं रखना चाहिए। और बहनों को भी अपने पतियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ कभी भी लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला माहौल नहीं बनाना चाहिए। हालेलुया।
सो अगर हम परमेश्वर के हाथों में अपना केस दे करके रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारी मदद करेगा, निश्चय परमेश्वर हमसे कहेगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हो सकता है आज आपके घरों में पारिवारिक संबंध जो है टूटते जा रहे हैं, पारिवारिक जो रिश्ते हैं टूटते जा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि पति को पत्नी की बात पसंद नहीं आती, पत्नी को पति की बात पसंद नहीं आती, सास ससुर को बहू की बात पसंद नहीं आती और बहू को सास ससुर की बात पसंद नहीं आती, हमारे पड़ोसियों की आपस में हमें अच्छी बात नहीं लगती, उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, उनका साफ सफाई करने का ढंग हमें अच्छा नहीं लगता या उनका बुड़बुड़ाना, उनका काम करने का ढंग हमें अच्छा नहीं लगता। काफ़ी बार इस तरीके के मसले हम देखते हैं, काफ़ी बार हम इस तरीके से लड़ाई झगड़े का माहौल देखते हैं, पर अगर आप प्रभु के लोग हैं, आपने प्रभु के वचन को पढ़ा हुआ है, जान लिया है, समझ लिया है, सो सीख लिया है, तो आप अपने स्वभाव को शांत कर लीजिए। निश्चय परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके दुश्मनों को आपके सामने शर्मिंदा करेगा, निश्चय परमेश्वर उन लोगों को जो आपसे खामखा लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, खामखा आपके लिए इधर उधर की बातें बोलने के लिए तैयार रहते हैं या आपके सामने ऐसा बोलते हैं, निश्चय परमेश्वर उनको शर्मिंदा करेगा, निश्चय परमेश्वर उनको नष्ट कर देगा, निश्चय परमेश्वर आपको कहेगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। अगर आप अपना मसला अपने आप हल करेंगे, अपना बदला आप ही लेंगे, तो परमेश्वर कदापि आपकी मदद नहीं करेगा, कभी भी आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सो परमेश्वर के लोगों को नम्र बनना है, दीन बनना है, परमेश्वर के हाथों में अपने केस को दे करके रखना है। सो अगर कोई इस तरीके से रहता है तो आप अपने आप में कमज़ोर मत समझे कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मैं लड़ाई नहीं करता, मैं कमज़ोर हूँ मैं इसलिए झगड़ा नहीं करता, बल्कि ये समझिए कि परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी सहने की शक्ति दे रखी है, बहुत बड़ी परमेश्वर ने आपके अंदर पावर दे रखी है कि आप लड़ाई झगड़े के माहौल को देख कर भी अपनी चुप्पी साध लेते हैं, यानी कि अपने मुँह को बंद कर लेते हैं और उस स्थान से आप दूर चले जाते हैं, उस स्थान से आप परे चले जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। सो कभी भी झगड़ालू ना बने, अगर आप झगड़ालू हैं तो अपने झगड़े को, अपने स्वभाव को, जो झगड़ालूपन का स्वभाव है, आज ही इसी समय अपने अंदर से निकाल दीजिए। निश्चय परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया, आए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर उन ऐसे लोगों की मदद करे जिन्होंने इस तरीके का व्यवहार अपना बनाना सोचा है कि प्रभु जी हम कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपकी दुआ को सुनकर, आपके इस पश्चाताप को सुनकर आपको आशीष देगा और आपके अंदर सहने की शक्ति देगा, ताकि आप झगड़े वाले माहौल को भी एकदम से ऐसा कंट्रोल करें जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहम तो गिबानी करुणा निधान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस ऑनलाइन सर्विस पर, आपने आशीष दे ली, धन्यवाद। बेशक शैतान की बड़ी कोशिश रहती है कि नेटवर्क सिस्टम को तोड़ करके, कुछ प्रॉब्लम डाल करके इस संदेश को जो लोगों तक पहुंचा जा रहा है उसमें प्रॉब्लम डाली जाए, पर पिता परमेश्वर हम जानते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है हम शैतान की किसी भी युक्ति से अनजान नहीं कि उसका कोई भी दाग हम पर चल जाए। पिता परमेश्वर आपके भक्तों के लिए, आपके लोगों के लिए, जितने भी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं या बाद में इस मैसेज को सुनेंगे या जिन्होंने देखा है, परमेश्वर उन सबों के लिए आपके बेटे यीशु के नाम में स्वर्गीय आशीष मांगते हैं, स्वर्गीय बरकत मांगते हैं। वो खुदा विशेष उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने आज का वचन सुनकर अपने केस को, जहाँ पर झगड़ा होने का माहौल रहता था, उस केस को आपके हाथों में देने की सौंपी है या सौंप रहे हैं। पिता आप उन लोगों को अपने पवित्र हाथों में लेकर चलाएं, आप उन लोगों के जज वकील गवाह बन जाएं, आप ही उनके झगड़े का निपटारा कीजिए, आप ही पिता परमेश्वर उनके अंदर ऐसी सहने की शक्ति डाल दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो हर माहौल में अपने स्वभाव को शांति वाला स्वभाव बना के रखे, ताकि पिता परमेश्वर उस जगह पर झगड़ा बढ़ने के बजाय घट जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया, पिता परमेश्वर ऐसी दुष्की ताकतें जो तेरे लोगों के बीच में झगड़ा करवाती हैं, जो झगड़े वाला आत्मा लोगों के बीच में परिवार में काम करता है, समाज में काम करता है, गली मोहल्ले में काम करता है, पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे इंडिया में काम करता है, खुदा अपने यीशु के नाम में
ऐसी दुष्की ताकतें जो आपस में लड़ाई झगड़ा करवाती, जो परिवारों में पति पत्नी के बीच में, सास ससुर के बीच में, बहू के बीच में, समाज के बीच में, नौकर चाकरों के बीच में झगड़ा करवाती, ऐसी सारी ताकतें खुदा यीशु के सामर्थी नाम में इनके जीवनों से, इनके परिवारों से पूरी तरह से खत्म होने पाए, पूरी तरह से ऐसी ताकतें नष्ट हो जाएं और आपके लोग आपके पवित्र वचन को पूरा करते हुए अपने स्वभाव को शांति वाला स्वभाव बना लें और झगड़ालू स्वभाव ना रखें। पिता परमेश्वर, इन सबके घरों में परिवारों में तेरी शांति और खुशी और तसल्ली मांगते हैं। एक एक परिवार के लिए, एक एक बहन के लिए आशीष मांगते हैं। विशेषकर जैसे आपका वचन बहनों के लिए बताता है कि झगड़ालू पत्नी नहीं होनी चाहिए, और खुदावन्द बहनों को भी विशेषकर बुद्धि अगर समझ बुझ का आत्मा दीजिए ताकि वो प्रेम प्यार के साथ अपने घर का जीवन निर्वाह करने पाए और कभी भी अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि खुदावन्द बहनों के वसीले घर में सच्ची शांति, तेरा सच्चा प्रेम, तेरा सच्चा हमेशा हमेशा तक बना रहे। वो खुदावन दुआ करते हैं, अपने टाप की सारी शक्ति के मेंबर को आशीष दीजिए। प्रत्येक घरों में आपकी आशीष मांगते हैं। अगर इनमें से कोई बीमार है, खुदावन यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा वो बीमार चंगे भले हो जाए। एक एक भाई बहन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों पर आपके बेटे यीशु की बरकत मांगते हैं। सबको सिर से लेकर पांव की तक छू करके चंगा भला कर दीजिए। शैतान की सारी चलाकियां खुदावन यीशु के नाम में इनके जीवनों से दूर होने पाए। इन सबकी ड्यूटीज में आशीष दीजिए। जो हाउसवाइफ हैं, बहनें हैं, उन सबको अपने घरों को अच्छे ढंग से संभालने का फजल दीजिए। जो बहनें, जो भाई ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटीज में आशीष देना। जो कारोबार करते हैं, कारोबार में आशीष देना। अगर किसी के पास अपना घर नहीं, तो खुदावन यीशु के नाम में अगर वो आपके वचन के साथ सही चलता है खुदावन, तो उनको अपना घर दिलवा दीजिए। अगर किसी बच्चे का रिश्ता नहीं हुआ, तो खुदावन अपने वचन के अनुसार अच्छा रिश्ता उनका मिलने में सहायता करे। हर प्रकार की दुष्की ताकत जो तेरे लोगों को बीमारी के बिस्तर में डालती, यीशु के नाम में दूर होने पाए। और खुदावन अपने टावर के सारे लोग चंगे भले हो जाए, दुष्की ताकतों से पूरी तरह से आजादी हो जाए, चंगे भले हो जाए, तेरे नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। तो हम दुआ करते हैं हमारे सेक्रेटरी ब्रदर आशीष सिंधवाल जी को भी छू करके पूरी रीति से चंगा भला कीजिए। सिर से लेकर पांव के तल तक सारी उनकी बीमारी, सारी कमजोरी, सारी तकलीफ दूर होने पाए। अगर और भी अपने टावर की शक्ति में कोई जन बीमार है, तकलीफ में है, बीमारी के बिस्तर में है, तो यीशु के नाम में वो भी जन चंगा भला हो जाए। हमारे अपने टावर की सारे सेवादारों के लिए आशीष बरकत मांगते हैं। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। पिता परमेश्वर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में खुदा पिता पिछले दिनों में कितना नुकसान हुआ, कितना लड़ाई झगड़े हुए, खुदा उन सारी चीज़ों पर आपका नियंत्रण मांगते हैं, सारी चीज़ों पर आपका कंट्रोल मांगते हैं, ताकि सारा का सारा मसला खुदा यीशु के नाम में हल हो जाए और हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में और दिल्ली में विशेषकर शांति आ जाए। पिता परमेश्वर उन किसान भाइयों को खुदावंद अपने सामर्थ्यतों में लेकर चलाए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आशीष दो, ताकि तेरी इच्छा के मुताबिक उनका फैसला करने पाए। और खुदा दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उन सबको अपने पवित्र सामर्थ्य हाथों में लेकर चंगा भला कर दीजिए। अपना पवित्र गाढ़ा खून के जिस्मों पे लगा दीजिए और जितने भी फ्रंट लाइन में होकर खुदावंद हमारे भाई बहन खुदावंद ड्यूटियां कर रहे हैं, खुदावंद उनके घरों में, परिवारों में भी तेरी आशीष और तेरी बरकत और तेरी कृपा मांगते हैं। पिता परमेश्वर हमारे समाज में सुख शांति दीजिए, हमारे समाज के माहौल को शांत कीजिए और सारी जितनी भी महामारियां इस समय खुदावंद कार्य कर रही हैं, खुदावंद यीशु के नाम में तेरे लोगों को कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी बर्ड फ्लू छूने ना पाए। पिता परमेश्वर तेरे लोग जहाँ जहाँ भी रहे तेरे नाम में बढ़ते चले जाएँ, तेरे अनुग्रह में बढ़ते चले जाएँ और तेरे वचन में पूरी तरह से खराई से चलते हुए खुदावंद तेरी आशीषों को पाने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रेटाव में चल रहे सारे कंस्ट्रक्शन के काम पर भी आशीष मांगते हैं। लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के कोने कोने में जितने भी आपके दास दासी हैं, उन सबों पर आपकी बरकत मांगते हैं। उनकी सेवा के वसीले से हमारा पूरा भारत पूरा बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में और यीशु मसीह का झंडा हमारे पूरे वर्ल्ड में, दुनिया के कोने कोने में खड़ा होने पाए, ताकि प्रत्येक जन जान जाए, जैसे आपका वचन कहता है, हर एक घुटना जान जाए कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो खुदावंद इस वचन के वसीले सबको आशीष देना। ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रत्येक घरों में, प्रत्येक परिवारों में, जितने भी इस समय हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबों पर तेरी आशीष और तेरी बरकत मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रेटावन की संगति के लिए फिर से आशीष और बरकत मांगते हुए प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम लेकर मांगते हैं पिता। आमीन। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे।
संडे सर्विस का आप जैसे सबको पता है कि इस महीने से संडे सर्विस जो है चर्च में लगनी शुरू हो गई है, उसका टाइम सुबह 11 बजे रहता है। सो आप जितने जन भी अभी नहीं जान पाए या किसी को पता नहीं लग पाया तो आप संडे संगति के लिए प्रभु के घर में आ सकते हैं। जितने लोग प्रे टावर के सदस्य हैं, जितने लोग प्रे टावर में आते थे लॉकडाउन से पहले, वो प्रभु के घर में आकर प्रभु की वर्शिप करें, आराधना करें। सो उसका टाइम जो है 10 बजे से बदल के 11 बजे हो चुका है। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर आपके घरों में, परिवारों में, कारोबार में आशीष बना के रखे, और विशेषकर लड़ाई झगड़े का आत्मा आपके परिवारों से, आपके जीवनों से कोसों दूर रहने पाए। प्रभु की बरकत आपके घरों में बनी रहे। सबको जय मसीह की।